तो आज अपने हाथ लगी है भाई रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 की चाबी, हैप्पीनेस की आप इसे कह सकते हो। और दो बाइक है रॉयल एनफील्ड की जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पहली अपनी कॉन्टिनेंटल थी, दूसरी ये आई है मार्केट में। और सारे रीज़न बताऊंगा मुझे क्यों अच्छी लगती है और क्यों आप इसकी तरफ 2023 में जा सकते हो। आगे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चल के हाईवे है, वहाँ पे थोड़ा सा भगाएंगे और देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस गियर में कितना जाती है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में चेक करेंगे। उससे पहले एक बार मेरे को जो इस गाड़ी का पर्सनल फेवरेट लगता है ना, वो चीज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ, वो है इस गाड़ी का भाई एग्जॉस्ट नोट। बहुत प्यारा एग्जॉस्ट नोट है, वाइज़र खोल लेता हूँ। एक थंप आता है राइडर को और दूसरी चीज़ इस गाड़ी की भाई सीट हाइट, मेरी 5.5 हाइट है और मेरे पूरे पैर आ रहे हैं, देखो आराम से एकदम फ्लैट। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए एकदम वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। चलो भाई आप थोड़ा सा इसको चला के एब्जॉर्ब करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। ये भाई क्या कर रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं किसी चीज़ की। चलो जय श्री राम। गड्ढों वड्ढों में कैसा है भैया उसका? बढ़िया रिस्पॉन्स है गड्ढों में, ज़्यादा मतलब इतनी उछल कूद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा और ठीक है यार, मतलब बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके अंदर टेलीस्कोपिक है ना, तो ये थोड़ा सा बम्प तो करती है, पर जो USD रहते हैं ना, हटा भाई ओए। अच्छा इस गाड़ी की मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगती है, आप लोग चलाओगे ना आपको शायद वो फील हो, ये गाड़ी भले ही मेट्रो रेट्रो हो, क्लासिक टाइप आप कह सकते हो, उस टाइप की गाड़ी हो, ये क्रूज़र हो एक तरीके से, आप जैसे भी कह सकते हो उसको, जो जिस मर्जी कैटेगरी में ले लो, पर जो इसका हैंडल है ना वो एकदम आपको स्पोर्ट्स वाला मिलेगा, जैसे नेकेड बाइकों का रहता है ना स्पोर्ट्स एकदम हैंडी सा, वैसा वाला आपको कुछ इसके अंदर हैंडल मिलेगा, जो भाई बहुत हैंडी है। अभी थोड़ा सा ये जैम ट्रैफिक क्लियर हो, हाईवे पर पहुँचूँ तब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हम आ गए हाईवे पे, मतलब हाईवे तो नहीं है, हाईवे जैसे रोड है, थोड़ा सा चलता फिरता है पर कोई नहीं। चलो थोड़ा वाइब्रेशन चेक करते हैं पहले, है ना। भाई सच बता रहा हूँ, जैसे कॉन्टिनेंटल वाला हिसाब है ना कि ट्विन पैरेलल होने की वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ना के बराबर, सेम इसके साथ है, मुझे नहीं फील हो रही है। मैं अच्छी तक भी चला गया दूसरे गियर में तीसरे गियर में, तो मुझे तक नहीं फील हो रही भाई वाइब्रेशन, बहुत माइनर सी है सीट के पास, वो एडजस्टेबल है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है। हैंडल जो मैं बता रहा था ना, दिखाता हूँ कैमरा, अरे चलाना कट जाए पीछे हो जाऊँ। हैंडल और टायर का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है ना, तो रोड पे मजा ही आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगे हुए भाई बड़े बड़े टायर 140 सेक्शन का, हालांकि नॉन रेडियल है पर काम रेडियल वाला करता है ये है। और इसका भाई ये जो मतलब साउंड है ना, ये जो इसका एग्जॉस्ट नोट है पूरा एकदम थंप दे रहा है, देखो टन टन आया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कोई अच्छी बाइक चला रहा हूँ, मतलब पावरफुल बाइक चला रहा हूँ। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है ना, ये जो थंप मिल रहा है भाई एग्जॉस्ट का, ओए सोने पे सुहागा। चलो एक बार थोड़ा सा भगा के देख लेते हैं कि जा कितना रही है ये। विंड ब्लास्ट थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, ब्रेकर हट जा। चलो 100 105 लोग आ गए। चलो 110 के बाद थोड़ी सी शिद्दतें करनी पड़ रही हैं। आ जा, देखो मैं किसी भी लाइन में कभी चले जा रहा हूँ, कोई सोचना नहीं पड़ रहा मुझे, बहुत ज़्यादा हैंडी है। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है ना आप लोगों के लिए, वो इस गाड़ी का भाई वेट, 177 kg की अप्रॉक्स है ये, और बहुत अच्छा भाई इसका वेट है। मुझे रॉयल इनफील्ड में हमेशा शिकायत रहती थी ना वेट की, वो भाई कंपनी ने छू मंतर ही करवा दी कि जाओ तुम्हें वेट की शिकायत है ना, वेट भी दे देंगे आपको। क्लच बहुत ज़्यादा टाइट लगता है ना, तो आपको एकदम हल्का क्लच दे देंगे,
अब ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इसके अंदर स्लीपर क्लच है या नहीं है, पर काम ये पूरा स्लीपर क्लच वाला कर रहा है। तो अगर किसी को ओवरटेक करना हो, कटिंग वगैरह करनी हो, टायरों का रिस्पॉन्स जानना हो, तो सारी चीज़ें बहुत एकदम हैंडी हैं, सारी मतलब अपने कंट्रोल में हैं। मैं इतनी स्पीड में जा रहा हूँ लाइक मैं भी 100 की स्पीड में हूँ, गाड़ी कंट्रोल पूरी कंट्रोल भाई। और एक और इस गाड़ी का जो प्लस पॉइंट है भाई, जिसकी वजह से आप इसकी तरफ जा सकते हो, सीट हाइट तो मैंने बता ही दिया था, शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा मस्त है। एक जो दिक्कत वाली बात है ना, दिक्कत वाली नहीं, एक जो और इसका प्लस पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आप लोगों के लिए, वो बताऊँ क्या है, वो है इस गाड़ी का भाई सीट कम्फर्ट। सीट कम्फर्ट इतना है, गुदगुदा सा लग रहा है यार गुदगुदी सी लग रही है, मतलब सही है, बहुत सही है। जैसे जो मैंने काम आफ्टर मार्केट करवाया ना अपनी पैनली की सीट में, वो इसके अंदर ऑलरेडी है। पैडिंग बहुत अच्छी है इसकी, इसी के बीच से निकलना। और यहाँ भाई इसमें आपको गियर डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, कई सिचुएशंस में अपने आप निकलती है, ये देखो। मौसम भी सुहाना, इससे भाई टूरिंग करो दबा के, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ थोड़ी सी माइलेज के मेरे को ऐसा लगता है कि माइलेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी और हो जाती ना तो ठीक रहता है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में ना माइलेज का बहुत पंगा रहता है, इतनी खास देती नहीं है, तेल बहुत पीती है, तो वो हो जाता ना थोड़ा सा तो अच्छा लगता। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे चल के ब्रेकिंग की तरफ। कोई आ तो नहीं ना, नहीं, इसकी पीछे वाली ब्रेक बिल्कुल अच्छी नहीं है, देखो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, पूरी प्रेस है ब्रेक। पीछे वाली मेरे को नहीं अच्छी लगती इसकी, ये क्या हो गया, अंदर क्या चुभ रहा है। पीछे वाली मेरे को इतनी खास नहीं लगती, अच्छी की बात नहीं है, मुझे इतनी खास नहीं लगती जितनी ये आगे वाली है ना। ये देखो कंट्रोल, पीछे वाले में थोड़ी सी मुझे शिकायत लगती है। और एक चीज़ और है, अभी मैं बताता हूँ आपको क्या है वो, इस गाड़ी का हीटिंग इशू। अभी तो इतना नहीं पता चल रहा, पर ऐसा है कि एडजस्टेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज लोगों को प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। इतना तो यार आज के टाइम पे ना दिल्ली के अंदर सारी गाड़ियाँ कर रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई जा रखा है, तो R15 जैसी गाड़ियाँ हीटिंग इशू दे रही हैं, तो ये तो फिर भी रॉयल इनफील्ड है। पर हाँ, काम बहुत काफ़ी हद तक इसके अंदर कर रखा है, तो आप खुश हो जाओगे। और बाकी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वाली वीडियो चैनल पे मैं जल्दी लाऊंगा, आप लोग देखना उसको, आप लोग एंजॉय करना, क्योंकि इसके अंदर डिसएडवांटेज तो मुझे कोई नहीं लगता सिवाय इनके इंडिकेटर के, कि वो LED दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता, वो नहीं दिया उन्होंने ना, वो एक कमी थोड़ी सी खली। कसोल आ गया, कसोल। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करेगी ना, क्योंकि इस गाड़ी का वेट कम है, तो वेट कम होने की वजह से ना इनिशियल पुल बहुत अच्छा दिखाती है। लाइक मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर हो, क्योंकि इस ट्रैफिक में ना भाई हीटिंग इशू आने लग गया। मेरी फैनली के हिसाब से तो भैया बहुत कम है इसके अंदर इतना तो मैं ऐसा लग रहा है कच्चे में भी झेल लूँ। ये देखो जो मैं बता रहा था ना आपको, दिखाता हूँ, वो है भाई इस गाड़ी का इनिशियल थंप। हाँ टेंटन है, एंटॉर्क वालों का अलग ही टसन है भाई आजकल। ये देखो पावर के मामले में कहीं कटौती नहीं होगी मेरे भाई। हाँ टॉप स्पीड में भले ही आप लोग थोड़ा सा पीछे रह जाओ, इतना छोटा हैंडल ऐसा लग रहा है कोई नेकेड बाइक चला रहा हूँ मैं, देखना। ए भैया UP 16 4-26 एंटॉर्क वाले। कोई नहीं भाई, मैं ऐसे लोगों से अपना जो डिस्टेंस है उसे बनाए रखता हूँ, और बाकी वीडियो को करते हैं एंड, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।